हेलो फ्रेंड्स, वीरेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। तो हम लोग शहीद निर्माला क्या है निर्मल महतो पार्क है, यहाँ पे आए हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ वहाँ पर हम लोग को पहले टिकट कटाना पड़ेगा। और एक एक आदमी का कितना लेता है ब्रो? देखिए, हम तो आए थे उस टाइम 10 था एक आदमी का। हाँ, हम लोग स्कूल से गए थे इसलिए 5 रुपया लिया गया था। अभी देखेंगे टिकट उकट पूछेंगे। हम तो आ चुके हैं, थोड़ा देखे थे लेकिन आजकल चेंजिंग हो गया होगा, देखने में ही लग रहा है अच्छा खासा। तो अभी घुसेंगे, 5 जन है, शायद 20 रुपया एक आदमी का, 20 रुपया है पूछने के लिए टिकट। मेरा हम लोग का दोस्त एक आदमी पूछने गया है, उसके बाद बताएंगे। हमको मेरे ख्याल से लग रहा है 20 रुपया लेता है, पहले 10 लेता था, अभी 20 रुपया ले रहा है। और यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। ये बाहर का व्यू है और ये साइड उधर का देख सकते हैं 2022 का। एंड अभी हम लोग एंट्री करेंगे और आगे जाएंगे तो आप सब हमको वीडियो पूरा दिखाएंगे। तो बस बने रहो और इन्जॉय करो। ओके, साथ मेरा दोस्त लोग आया है, ये पहले भी आ चुके थे, पहले आ चुका है और ये सबसे टीम के साथ आए थे, फुटबॉल खेलने आए थे ब्रोकन वाला संत जेवियर्स अकाडमी इंग्लिश स्कूल में आए थे। इसलिए हमको पता था, इसलिए मैंने इन लोगों को लेकर आया। हम लोग को पता नहीं था तो यही लेकर आया है। और ये कहाँ का ब्रो? रांची से है। एंड और मेरा दोस्त है भाई, इधर आ जाओ नियर बाय। और ये है दोस्त, ये भी कहाँ का होने वाला है ब्रो? रांची का है। और गिरिडीह आप सबों को पहले वीडियो में दिखा चुका था कि गिरिडीह का है। और यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है और आप सभी को हम दिखा देते हैं। इधर का सीन दिखिए, काफ़ी अच्छा दिख रहे गजब। एंड हम लोग उधर से आए, उधर से और अभी इस तरह जा रहे हैं। और यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है। एंड अभी हम लोग बहुत आगे जाना है, पूरा हम लोग नहीं घूमे हैं। जब आप सबों को पूरा घूमेंगे तो सब तरफ दिखाएंगे। बस इस वीडियो में बने रहो और अच्छा लोकेशन लगा तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट ले रहे हैं। और भाई लोग फ़ोटो ले रहे हैं और फोटोग्राफी इधर भाई लोग हैं और वही लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। एंड हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। बस अब आप सबों को आगे लेके चलते हैं। हम भाई लोग से अभी पूछते हैं यहाँ आके कैसे लग रहे हैं। भाई कैसे लग रहे हैं यहाँ के? यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया स्थान है, नया नया आदमी सब है और काफ़ी सुंदर जगह है। आप लोग देख सकते हैं गार्डन वगैरह कितना सुंदर लग रहा है, का नज़ारा दिखे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अंदर को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन पूरा गार्डन पूरा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे भाई लोग भी आया हुआ है। बस और जगह जगह लेके आप सबों को दिखाएंगे। और इधर दोस्त लोग हैं, देख सकते हैं कहाँ वीरेंद्र मिंज करके है ब्रो, कहाँ से है आप लोग? अच्छा ओके, सब नए नए स्टार्टिंग से ब्लॉग बन रहे हैं। हाँ स्टार्टिंग से हम भूल गए बनाना। अच्छा कोई बात नहीं, ये लोग सारे लोग यहाँ न्यू फ्रेंड बने हैं। एंड हम लोग आगे चलते हैं, आप सब हमको दिखाते हैं और इधर का लोकेशन कैसा है उधर भी जाके आप सब हमको दिखाएंगे। और बस आप लोग देखो और इन्जॉय करो। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह है और इधर का भी दोनों साइड यही है, देख सकते हैं। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हमको तो पता नहीं, नया नया आया है ना इसलिए नहीं पता। और भाई लोग शायद जान रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं। नहीं पता है किसी को पता नहीं है, लेकिन पता नहीं। हाँ बस आप लोग देख के एंजॉय करो। भाई यहाँ पे आया तो आप सबों को कैसा लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है बता दो। यहाँ का निर्मल वातो पार्क आके बहुत बढ़िया लगा। और दोस्त भी आए हैं इधर। हाँ इधर काफ़ी सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कौन सा क्या नाम है, ब्लॉग का क्या नाम है, ये सब बता दें लेकिन नहीं जानेंगे होंगे। कहाँ से भाई? मटवारी। स्टडी करते पढ़ाए हुए? अच्छा थैंक यू सो मच। बहुत सारे दोस्त लोग मिल रहे हैं, ये लोग सबकी स्टूडेंट हैं और हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। आज का दिन में छुट्टी मिला है तो हम लोग घूमने चलाए हैं और हम लोग को 6 बजे से पहले हॉस्टल जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हैं दूर दूर से और यहाँ काफ़ी अच्छा जगह है। कभी आप लोग भी इस जगह हजारीबाग आइएगा तो यहाँ पर आके इंजॉय कीजिए। और देखिए कभी बच्चा लोग खेल रहे हैं, बच्चा लोग देख सकते हैं इधर काफ़ी सारा खेलने के लिए भी है। और इधर भी देखते हैं, देख रहे हैं खेल रहे हैं बच्चा लोग और काफ़ी अच्छा है। एंड पेड़ पौधा भी बहुत सारा लगाया हुआ है और गार्डन का इतना अच्छा हमको दिख रहा है ना कि गजब, क्या बोले भाई लोग आप सब हमको, काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
बच्चों का भी खेलने के लिए उपलब्ध है इस गार्डन में। और यहाँ से अभी इतना सारे यूट्यूबर और मेरे सब्सक्राइबर मिले, थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट मिलता है हमको। और काफ़ी सारे लोग 15-16 व्यक्ति आके पूछने लगे और हमसे फ़ोटो लेने लगे, काफ़ी अच्छा लगा। लगता है इतना छोटा यूट्यूबर से इतना फ़ोटो लेता है ना, आप उनको बहुत हैंडसम लगता है रे बाबा। और धीरे धीरे आप लोग भी सपोर्ट करते रहें ताकि आगे जाके मैं और कुछ कर सकूं और आप सबों के लिए अच्छा कंटेंट वीडियो ला सकूं। वो साइड देख रहे हैं तालाब भाई, वहाँ पे छोटा सा, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और इधर पूरा जंगल एरिया जिससे दिख रहा है इधर से, और हम लोग इस साइड से हम लोग आए, देख सकते हैं अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर मछली घर है देख सकते हैं इसी कंपाउंड में, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये लेता है और हम लोग को लेट भी हो रहा है जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो शायद आप सबों को लेके चलते हैं। डायनासोर सब ये सब ड्राइंग देखकर आप सबों को कैसा लग रहा है ब्रो? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है और आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर दीजिए। टाइम बहुत बड़ा है देख सकते, इसका नाम क्या है हमको पता नहीं है, शायद आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताना। ओके, गाना उना चलता है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आके आप खाना पीना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और गाना के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यानी कि इस कंपाउंड में काफ़ी सारे उपलब्ध है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम लिखवा सकते हैं और अपना पहचान रहेगा और हम सबको यहाँ दिखा रहे हैं। क्या भैया नाम उम लिखते हैं ना? हाँ, यहाँ पर नाम उम अपना लोकेट में लिख सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। कभी आप लोग इस जगह पर आइए तो कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं ना भैया। और यहाँ का लोकेशन ऐसा है और अच्छा दिख रहा है। और अभी हम लोग का हो गया, हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं क्योंकि हम उसी टाइम से निकल रहे हैं बोल रहे हैं। हम लोग इधर से अंदर गए और हम लोग इधर से अभी बाहर निकलेंगे और हम लोग इधर से निकल रहे हैं दोस्तों, लास्ट और यहाँ पर लास्ट है गार्डन को, बाय बाय। ओके, हम लोग उधर से एंट्री किए थे।